वेलकम टू फाइंडिंग एक्स। और आज जो हम देखेंगे अपना प्रैक्टिस सेट टू चैप्टर टू स्टार्ट करने के पहले जो है पैरेलल लाइंस, वो स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजी हमें यहाँ पे यूज़ हो रही है वो है लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर क्या होता है? कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है ये भी। तो यहाँ पर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और वैसे आपने पढ़ा है पहले लीनियर पेयर क्या होता है, और इस तरह से जो बन रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर बोलेंगे। मतलब हमारा एक ए, ये पॉइंट में बी ले लेता हूँ, ये सी ले लेता हूँ और डी ले लेता हूँ, तो मेरा एंगल ए बी सी और एंगल ए बी डी, मतलब क्या हो गया यहाँ पे जो मेरा एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल जो है आप देख रहे हैं, ये वाला एंगल हो गया मेरा ए फिर बी फिर सी, मतलब जो मैंने यहाँ पे लिखा है ए बी सी और फिर ए बी और डी, मतलब ये वाला जो हो गया ए बी डी, इन दोनों एंगल का जो पेयर बन रहा है वो क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर हो रहा है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है उसी के ऊपर में एक एंगल बन रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर बोलते हैं। और लीनियर पेयर का जो सम होता है हमेशा वो कितना हो जाता है? मतलब ये दोनों एंगल जो देके रखे हैं इन दोनों अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा? इक्वल टू कितना आएगा? 180 डिग्री आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट जो अपना होता है वो होता है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल क्या होता है? अगर अपने दो पैरेलल लाइन है, मतलब पैरेलल लाइन मिनिमम दो तो रहते ही हैं, तो पैरेलल लाइन अगर जा रहे हैं, एक लाइन एल है और दूसरी एम है और एक ट्रांसवर्सल जा रही है एन, तो ये वाले जो मेरे एंगल आप देख रहे हैं, ये एंगल वन जो मैंने लिखा वो, फिर टू लिखा, ये थ्री लिखा और फिर उसके बाद में एक और लिखा मैंने फोर, तो वन टू थ्री फोर, ये चारों के चार एंगल मेरे क्या हो रहे हैं? इंटीरियर एंगल हो रहे हैं। क्लियर है? नाउ अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? अल्टरनेट एंगल का मतलब क्या होता है? अल्टरनेट एंगल का मतलब होता है आजू बाजू के जो एंगल रहते हैं वो, ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा? आपस में जो एक दूसरे के पड़ोसी होंगे उन एंगल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? अल्टरनेट एंगल्स, या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी एक टर्म्स यूज होती हैं, लेकिन वो क्वेश्चन के अंदर आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो अल्टरनेट एंगल के लिए आपको एग्जांपल दे देता हूं, उसके लिए क्या होता है? मैं एक दो लाइन ड्रॉ करूंगा पैरेलल, तो अज्यूम कर लीजिए दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा मेरा ये वाला एंगल और ये, मतलब आप या फिर एक तरह से आप बोल सकते हैं ये जो एंगल है अपने वो हमारे क्या हो रहे हैं? दोनों के दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल्स हो रहे हैं। मुझे पता कोई अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा होगा, बट आगे क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। फिर करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? जैसे ये दो पैरेलल लाइन जा रही है मेरी, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। और हमेशा करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? मतलब एंगल वन और एंगल टू क्या हो जाएंगे? आपस में इक्वल हो जाएंगे। और मैं यहां पे अगर एक और एंगल ड्रॉ करता हूं थ्री, तो एंगल वन और एंगल थ्री आपस में क्या है? अपने हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, और वर्टिकली अपोजिट एंगल भी आपस में हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। अब एंगल थ्री का अगर मुझे वर्टिकली अपोजिट एंगल बताना, तो कौन सा हो जाएगा? ये वाला जो मैं एंगल फोर ड्रॉ किया वो वाला एंगल मेरा क्या हो जाएगा? एंगल थ्री का और एंगल फोर के बीच में क्या रिलेशन है? करस्पॉन्डिंग एंगल का रिलेशन है। वन और थ्री में क्या रिलेशन फॉर्म हो रहा है? वन और थ्री में रिलेशन मेरा जो फॉर्म हो रहा है वो हो रहा है अपना वर्टिकली अपोजिट एंगल का। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है इन फिगर, जो हमें गिवन फिगर है, फिगर आप देख सकते हैं मैंने ड्रॉ किया हुआ है यहां पर, लाइन आरपी, मतलब ये वाली जो लाइन देकर रखी है आरपी वो, और लाइन डी के, लाइन डी के मतलब ये लाइन हो गई, इज देयर ट्रांसवर्सल, मतलब ये दोनों आरपी और एमएस के आपस में पैरेलल हैं, आरपी और एमएस ये दोनों पैरेलल हैं, और लाइन डी के मतलब ये वाली जो लाइन जा रही है इस तरह से आप देख सकते हैं लाइन डी के, उनके लिए क्या है? ट्रांसवर्सल है। तो अभी डीएचपी मुझे गिवन है 85 डिग्री, मतलब डीएचपी क्या हो गया? डी एच पी, मतलब ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं जहां पर मैं कर्सर को मूव कर रहा हूं, ठीक है, डी एच और फिर पी, तो ये जो एंगल बन रहा है यहां पर वो कौन सा एंगल है? 85 डिग्री गिवन है हमको यहां पर। फाइंड द मेजर ऑफ फॉलो एंगल्स, और जो गिवन एंगल्स है हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है यहां पर। तो फर्स्ट एंगल है आर एच डी, तो हम पहले देखें आर एच डी कौन सा एंगल है यहां पे, आर एच और डी, ये एंगल मेरा क्या हो रहा है? आर एच डी हो रहा है, तो इसका डी एच पी के साथ में क्या रिलेशन फॉर्म हो रहा है? लीनियर पेयर का, ठीक है। तो वही चीज हम लोग यहां पर यूज करेंगे, तो मैं यहां पर लिखूंगा अभी एंगल आर एच डी प्लस एंगल डी एच पी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, ठीक है। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं यहां पर लीनियर पेयर। ओके, तो यहां पे डीएचपी की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे आर एच डी, और डीएचपी की वैल्यू क्या है? 85 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल आर एच डी 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 95 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला एंगल मेरा कितना हो जाएगा? अभी ये वाला एंगल मुझे मिल गया 95 डिग्री।
ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमें फाइंड आउट करना है वो है पी एच जी। पी एच जी क्या हो जाएगा, देखिए हम पहले देखते हैं पी एच और जी। आपको पता है पी एच जी जो एंगल बन रहा है, मतलब कौन से एंगल की बात कर रहे हैं हम लोग यहां पर, ये जो मेरा एंगल बन रहा है ना यहां पर, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो पी एच जी आपको पता है किसके साथ में वर्टिकल ओपोजिट हो रहा है, डी एच आर के साथ में क्या हो रहा है, वर्टिकल ओपोजिट एंगल हो रहा है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे पी एच जी इक्वल टू हमारा हो जाएगा डी एच आर एंगल, डी एच आर लिखो या आर एच डी लिखो एक ही बात है, आर एच डी। तो हम अब लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा, एंगल पी एच जी इक्वल टू हो जाएगा 95 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, नेक्स्ट सब क्वेश्चन है एच जी एस, एच जी एस। तो एच जी एस मतलब ये वाले एंगल की बात कर रहा है, मुझे एच जी एस फाइंड आउट करना है। आपको पता है एच जी एस किसके साथ में इक्वल होगा, वो होगा डी एच पी के साथ में, करस्पॉन्डिंग एंगल हो रहा है क्योंकि, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहां पे एंगल एच जी एस इक्वल्स हो जाएगा एंगल डी एच पी, यहां पे क्या आ जाएगा, रीजन क्या आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो मेरा एच जी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम वही वैल्यू हो जाएगी जो डी एच पी के हम लोगों को गिवन है, मतलब 85 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। नाउ हमें फाइंड आउट करनी है एम जी के की, तो एम जी के एंगल कौन सा बन रहा है यहां पर, एम जी के ये वाले एंगल की बात कर रहा था। तो आपको समझ में आ गया कि यहां पे ये क्या हो रहा है, एक तरह से मेरा वर्टिकली अपोजिट एंगल ही हो रहा है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, भी एच जी एस के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल एच जी एस इक्वल्स टू एंगल एम जी के, अगेन यहां पे लिख दीजिएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ओके। तो एम जी के इक्वल हो जाएगा, तो एच जी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमको क्या गिवन है, एच जी एस की वैल्यू हमको मिली है 85 डिग्री, तो वही हमारी हो जाएगी वैल्यू एम जी के की, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, सेकंड क्वेश्चन जो हमको देके रखा हुआ है यहां पर। अब यहां पर क्या बोल रहा है कि हमारी जो लाइन पी है और लाइन क्यू है पैरेलल आपस में, और लाइन एल एंड लाइन एम आर ट्रांसवर्सल, मतलब एल यानी जो लाइन देके रखी है, एल मतलब जो इस तरह से जा रही है, और लाइन एम मतलब जो इस तरह से जा रही है, वो किस वो दोनों क्या है, ट्रांसवर्सल, और पी एंड क्यू जो है आपस में पैरेलल है। ये लाइन आप देख सकते हैं पी लाइन, और ये वाली जो लाइन होगी क्यू लाइन, ये दोनों के दोनों क्या आपस में पैरेलल है, ओके। तो अभी हमको यहां पे क्या बोल रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ एंगल आर शोन। तो मुझे पहले एंगल शोन निकालने, तो एंगल ए निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, देखिए ये वाला एंगल ए और 110 ये दोनों का ये क्या हो रहे हैं, लीनियर पेयर हो रहे हैं। तो इसके थ्रू मैं क्या करूंगा, एंगल ए निकाल लूंगा अपना। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस 110 इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन आप लिख देंगे लीनियर पेयर, ठीक है। तो एंगल ए इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। एंगल ए की वैल्यू हमको मिल गया, हमको निकालने एंगल बी की। तो एंगल बी के लिए मैं पे क्या करूंगा, एक एंगल अज्यूम कर लूंगा, ये वाला एंगल जो है एंगल ई अज्यूम कर लूंगा। आपको पता है एंगल ए और एंगल ई क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि देखिए ये जो लाइन है ये पैरेलल है किसको, क्यू को, और एंगल ये जो लाइन एल जा रही है ये क्या हो रही है, एक तरह से ट्रांसवर्सल हो रही है। अब थोड़ा अलग अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए यहां पे, ये पी और क्यू पैरेलल है तो ये एक तरह से ट्रांसवर्सल हो रही है। तो एंगल ए और एंगल ई क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों क्या हो रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल हो रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर एंगल ए इक्वल टू एंगल ई क्या आ जाएगा, रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो एंगल ई इक्वल टू हो जाएगा एंगल बी, अब इसके पीछे क्या रीजन हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो एंगल बी इक्वल टू मिल जाएगा मुझे यहां पे, कितना मिल जाएगा मेरे को यहां पर, ये जो हमारे किसकी वैल्यू थी, एंगल ए की जो वैल्यू थी वही हो जाएगी अल्टीमेटली। तो मेरे एंगल ए की वैल्यू थी 70 डिग्री, तो एंगल बी भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा, ओके। नाउ हमें फाइंड आउट करना है एंगल सी। अब एंगल सी जो है, देखिए अभी क्या हो रहा है, ये जो लाइन है ये अपनी जो है ये एक लाइन जा रही है, और पहले मैं काम करूंगा एंगल सी जो हो जाएगा मेरा यहां पे, हम किस तरह सोचेंगे वो छोड़ दीजिए, मैं पहले बोल रहा था एंगल सी जो है वो किसके साथ में इक्वल हो जाएगा, ये 115 जो देके रखा है इसके साथ में क्या हो रहा है, करस्पॉन्डिंग हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है, लाइन एम जो मेरी ट्रांसवर्सल है
और ये दोनों लाइन पैरेलल है पी और क्यू, तो एंगल सी क्या हो जाएगा 115 के साथ में क्या हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। तो एंगल सी की वैल्यू कैसे मिल जाएगी, एंगल सी इज इक्वल्स टू 115, ठीक है, क्योंकि ये क्या हो रहा है करस्पॉन्डिंग एंगल हो रहा है यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट जो हमें फाइंड आउट करना है मैं यहीं पे कर देता हूं, और जो हमें एंगल डी फाइंड आउट करना है तो एंगल 115 प्लस एंगल डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या बन रहा है लीनियर पेयर बन रहा है। आपको ये कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा कि लीनियर पेयर किस तरह से होता है। तो एंगल डी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 115, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास है 65 डिग्री, तो मुझे मिल गया एंगल डी। ओके, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन जो था वो भी कंप्लीट हो गया, अब हम नेक्स्ट आगे मूव करेंगे। क्वेश्चन थ्री जो है बहुत 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 इजी है और बहुत सिमिलर है जैसे हम लोगों ने अभी किया, तो प्लीज इस क्वेश्चन को अभी के भी आप ट्राई कीजिए, नोटबुक लेके बैठे होंगे जो मैं हमेशा बोलता हूँ, नोटबुक वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व कर लीजिए, और हमेशा याद रखिए अभी नहीं तो कभी नहीं। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर में क्या बोल रहा है ये थोड़ा सा हमें प्रूव करना है। यहाँ पे बोल रहा है साइड्स जो है आपस में, मतलब एंगल नहीं बोल रहा है यहाँ पे, बोल रहा है हमें प्रूव क्या करना है। एक मिनट, ये क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा मैंने एक हल्की सी एडिटिंग कर देता हूँ, ये कॉन्ग्रुएंट है एक्चुअली, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि साइड जो है एंगल पी क्यू आर की, पी क्यू आर मेरा कौन सा एंगल, देखिए पी क्यू आर ये वाला एंगल हो गया, और एक्स वाई जेड कौन सा एंगल हो रहा है, एक्स वाई जेड, ये दोनों एंगल एंगल की साइड आपस में पैरेलल है, मतलब ये पी क्यू साइड पैरेलल है एक्स वाई को और वाई जेड पैरेलल है क्यू आर को, ठीक है, यहां पे ये चीज बोल रहा है। तो हमें प्रूव क्या करना है कि मेरा एंगल पी क्यू आर जो है वो किसको इक्वल जा रहा है, वो मेरा एंगल जो है वो किसको इक्वल हो रहा है, एक्स वाई जेड को इक्वल हो रहा है, मतलब ये जो एंगल यहां पे बनेगा मेरा वही एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो क्या करेंगे यहां पर, यहां पर हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे छोटा सा, वो कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, पहले ये जो मेरा वाई पॉइंट है, ये वाली जो लाइन रे है इसको मैं एक्सटेंड करूंगा, ठीक है, और इसको मैं नाम दे दूंगा यहां पर एम, यह जो पॉइंट यहां पे टच करेगा ना, ये वाला जो पॉइंट रहेगा इसको मैं नाम दे दूंगा एम। तो मैंने क्या किया, एक तरह से इस लाइन को मैंने एक्सटेंड कर दिया। तो आप कंस्ट्रक्शन में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं यहां पे, कंस्ट्रक्शन लिख दीजिए स्टेप के अंदर में, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा एक्सटेंड रे वाई जेड इन अपोजिट डायरेक्शन, एक्सटेंड रे वाई जेड इन अपोजिट डायरेक्शन एंड मीटिंग पॉइंट विद रे पी क्यू इज एम, रे पी क्यू इज एम, ओके। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अभी हमने कंस्ट्रक्शन कर दी है ये वाली, तो नाउ अभी हमारा प्रूफ स्टार्ट हो जाएगा यहां पर, तो आप प्रूफ लिख स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा अभी, आप देखिए एंगल जो बनेगा मेरा, एंगल पी एम वाई इक्वल हो जाएगा एंगल एक्स वाई जेड के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स की, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो यूज करेंगे, मतलब मैंने इन शॉर्ट क्या किया अभी वाले स्टेप के अंदर में, ये इसका फर्स्ट इक्वेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो ये जो है मेरा क्या हो जाएगा, ये दोनों के दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्लियर है। क्योंकि देखिए क्या हो रहा है, ये जो है यहां पे ये वाली लाइन जो थी मेरी, मतलब ये जो है वाई एक्स और पी एम एक तरह से क्या हो रही है, पैरेलल हो रही है। तो ये जो मेरी रे जा रही है पूरी की पूरी यहां से लेके यहां तक, ये एक तरह से ट्रांसवर्सल हो गई। तो ये वाला एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्लियर है। तो ये जैसे इक्वल हो जाएंगे उसके बाद में क्या हो जाएगा यहां पर, तो ये दोनों इक्वल हो गए सर। नेक्स्ट जो हम लोग यूज करेंगे वो होगा हमारा एंगल पी एम वाई इक्वल्स हो जाएगा एंगल पी क्यू आर, ठीक है। ये क्यों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि अभी यहां पे क्या कंडीशन अप्लाई होगी, यहां पर भी जो कंडीशन हमारी अप्लाई हो रही है, कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है, वो भी हो रही है करस्पॉन्डिंग एंगल की ही कंडीशन अप्लाई होगी, ठीक है। तो सेम कंडीशन यहां पे भी उसी वे में क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। अब इस केस में क्या हो जाएगा, देखिए ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है आपस में पैरेलल है, हमारी जो साइड थी वो दोनों एंगल की उनको बता के रखा है पैरेलल है आपस में, तो पैरेलल हो गई यहां पर।
और ये एक तरह से ट्रांसवर्सल की तरह से जा रही है। तो ये वाला एंगल जो है यहां पर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो वही हो गया। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वो क्या मिल जाएगा, देखिए PMY किसके इक्वल जा रहा है, PMY जो है वो XY के इक्वल भी हो रहा है, PMY किसके इक्वल हो रहा है, PQR के भी इक्वल हो रहा है। देयरफॉर हमें क्या मिल जाएगा यहां पर, एंगल PQR इक्वल्स एंगल XYZ। ओके, तो हम लोगों का क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। फिफ्थ क्वेश्चन जो देकर के रखा हुआ है यहां पर हमको, ये बहुत इजी है, मैं आपको यहां पे थोड़ी बहुत हिंट दे दूंगा और बाकी फिर आप खुद ही करेंगे। देखिए यहां पे क्या बोल रहा है, मेजर जो है आपको वो एज यूजुअल गिवन है, ए बी और सी डी लाइन पैरेलल है, ए बी हो गया ये और सी डी हो गया ये वाला, ये दोनों लाइन पैरेलल, और पी क्यू क्या है हमारी ट्रांसवर्सल हो गई यहां पर। मेजर ऑफ द वन ऑफ द एंगल इज गिवन, हैंड फाइंड द मेजर ऑफ द फॉलोइंग एंगल। अब हमें ए आर टी निकालना है, देखिए मुझे कौन सा एंगल गिवन है, मुझे यहां पर बी आर टी गिवन है, मुझे कौन सा निकालने को बोल रहा है, ए आर टी। अगर मुझे ए आर टी फाइंड करना है, इसके अंदर में क्या हो जाएगा, यहां पर ए आर टी क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर में आ जाएगा, किसके साथ में, बी आर टी के साथ में लीनियर पेयर में आ जाएगा। ठीक है, अब इस तरह सॉल्व करेंगे इसको। फिर सी टी क्यू फाइंड आउट करना है, सी टी क्यू कौन सा एंगल हो जाएगा, सी टी क्यू मतलब हो गया ये वाला एंगल। अब ये वाला एंगल जो होगा वो किसके साथ करस्पॉन्डिंग हो रहा है, ये वाला जो एंगल है उसके साथ में क्या हो रहा है, करस्पॉन्डिंग हो रहा है। ठीक है, फिर डी टी क्यू फाइंड करना है मेरे को, तो डी टी क्यू क्या हो जाएगा, अगेन वो वाला 105, ऐसे डायरेक्ट हमको वैल्यू पता लग जाएगी, क्यों हो जाएगी इसकी वैल्यू 105, क्योंकि ये भी क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा मेरा बी आर टी के साथ में। फिर पी आर बी निकालना है, पी आर बी तो पी आर बी क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे पी आर बी मतलब ये वाला एंगल हो जाएगा, तो ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हो जाएगा ए आर टी के साथ में। तो हम यहाँ पे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी लगा देंगे आप, और इसको भी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको मेरा ये वाला जो मैंने वीडियो बना रहा हूँ अभी तक वो समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है प्लीज मुझे पूछिए, और देखने के लिए थैंक यू।